bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum students how are you i hope all of you well so uh, open your book geographic um, class 7 and we have to start now a revision students you know um we done chapter number 1 chapter number 6 and chapter number uh, 7 and 8 टुडे वी हैव टू रिवाइज द स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर ठीक है अब हम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर को हमारे कंप्लीट हो गया तो फिजिकल स्टेट ऑफ अर्थ सो so, फिज़िकल स्टेट ऑफ अर्थ का आज हम जो है इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे ठीक है इसके हम रिविजन स्टार्ट करते हैं सो so, um, आपका जो है अपनी बुक्स ओपन करें योर रिविजन टाइम इज स्टार्ट नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर फोटीन एंड सी द क्वेश्चन नंबर वन एक्सरसाइज नंबर थ्री आंसर्स इन डिटेल क्वेश्चन नंबर वन ने एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ अर्थ इंटेरस ठीक है अर्थ इंटेर हम करेंगे सो रिविजन टाइम में आपका जो है वो स्टार्ट हो गया है ठीक है आप अब क्या करें कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखना है के हमारे इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ कितने हैं हमारे ठीक है तो इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ अगर आप देखें तो इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ आपके तीन हैं ठीक है क्रस्ट मेंटल एंड कोर ठीक है क्रस्ट सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ज़मीन की दूसरी लेयर जो है वो जमीन के अंदर होती है मेंटल और तीसरी मेंटल से नीचे कोर होता है ठीक है और कोर के हमने इसके हर यानी क्रस मेंटल और कोर इन दोनों इन तीनों की जो है वो टू टू टाइप्स थे वो हमने इसे रिलेटेड बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था ठीक है तो हमने क्या कहना है क्रस मेंटल कोर जो है इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे सो so, अब आप ये फ्लो चार्ट है इस फ्लोर चार्ट के जरिए से मैं आपको समझाऊंगी कि कंपोजिशन ऑफ अर्थ है क्या ठीक है सो कंपोजिशन ऑफ अर्थ आप देखो ये कंपोजिशन कहते हैं साख्त को अर्थ का अंदरूनी हिस्से की साख्त कैसी है वो हम पढ़ेंगे ठीक है सो आप अगर यहाँ पे गौर करें तो कंपोजिशन ऑफ अर्थ इंटरेस्ट की साख जो है वो अंदरूनी साख दी है क्रास मैंटल एंड कोर फ्लो चार्ट के जरिए से मैंने आपको समझाया हुआ था यह आपको पहले भी लेक्चर किया हुआ लेकिन मैं आपको रिविजन करवा रही हूँ क्रस्ट मेंटल एंड कोर हाउ मैनी मैनी इंटरनल पार्ट ऑफ आर्ट थ्री क्रस्ट मेंटल एंड कोर फर्स्ट वी हैव टू स्टार्टिंग एक्सप्लेशन एक्सप्लेशन से पहले अगर आप देखो तो ये आपका uh, ये एक मैंने आपको डायग्राम बनाई हुई जिस डायग्राम के थ्रू मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है ऊपर अपर पार्ट जो है वो क्रस्ट है इंटरनल पार्ट जो अगर सेकंड इंटरनल पार्ट जो है वो सर्कल अगर आप देख रहे हो तो ये मेंटल है और लास्ट जो है वो कोर है यानी क्रस्ट ऊपर की सतह उससे नीचे मेंटल और सबसे आखिर में जो है वो कोर है क्रस्ट देखें क्रस्ट में जो है क्रस्ट है क्या वाटर एंड ड्राई लैंड वाटर एंड ड्राई लैंड कॉल्ड क्रस्ट ठीक है और इसकी डेफिनेशन ये है कि द अपर मोस्ट एंड लेस थिक स्वेयर ऑफ अर्थ इस्ड क्रस्ट ठीक है तो क्रस्ट की डेफिनेशन आपको पता चल गई अब आप इसके आगे देखते हैं हम इसकी थिकनेस थिकनेस यानी इसकी मोटाई कितनी है ये आठ एट टू फोर्टी किलोमीटर है हाउ मच थिकनेस एट टू फोर्टी किलोमीटर्स डिविजन देखें इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और क्रस्ट को टू पार्ट्स में जब डिवाइड किया गया तो इसके टू पार्ट्स क्या हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनी क्रस्ट हाउ मैनी क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनी क्रस्ट ठीक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो लैंड एरियाज होते हैं लैंड एरियाज यानी जहाँ पे हम रहते हैं वो कॉन्टिनेंट्स के नेम्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो सेवन कॉन्टिनेंट्स इन वर्ल्ड हैं एशिया अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया अंटार्टिका यूरोप ये सारे आपने और ऑस्ट्रेलिया ये सारे आपने कॉन्टिनेंट्स के नेम्स से इस लास्ट में पढ़े थे ठीक है सो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के ऊपर जो है वो हमारा जो है वो क्रस्ट है सही है और ये मेड ऑफ होता है सिलिकॉन एलोमिनियम से ठीक है सिलिकॉन एंड एलोमिनियम सिलिकॉन का एस आई एंड एलोमिनियम का ए एल जो है वो हमारे कहलाता है सील ठीक है अब क्रस्ट देखें ऑशनिक क्रस्ट इज मेड ऑफ थ्री थिंग्स सिलिकॉन आयरन एंड मैग्नीशियम एस आई यानी एस सिलिकॉन का एस आयरन का आई और मैग्नीशियम का एम ए तो इन तीनों को मिला के हमने सीमा इसको सीमा इट इज आल्सो नॉन एज सीमा ओके ऑर्शनी क्रस्ट आपने समझ लिया औशनी क्रस्ट के बाद हम देखते हैं आप मेंटल को ठीक है स्टूडेंट्स मेंटल अब मेंटल क्या है मेंटल जो है ये मिडल लेयर ऑफ द अर्थ है मिडल लेयर ऑफ द अर्थ इट्स टू लेयर्स ठीक है अपर मेंटल एंड लोरमेंटल अपर मेंटल आप अगर आप देखो तो अपर मैंटल जो है वो इसकी हैटल की थिकनेस है सिक्स सेवेंटी किलोमीटर थिकनेस ठीक है और मोस्ट रॉक्स जो हैं इसमें मोल्टन स्टेट में हैं लोयरमेंटल देखें अपर मैं बिलो द अपर मेंटल मेंटल है ठीक है इट इज़ कार्ल्ड मेंटल ठीक है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एंड हार्ड हार्ड और सॉलिड फॉर्म में होता है मेड ऑफ आयरन सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम ठीक है इसकी थिकनेस कितनी है टू टू थर्टी किलोमीटर्स ओके स्टूडेंट्स ये मैंने आपको पहले आप नोटबुक पे किया हुआ काम मैं इसकी आपने रिवीजन भी की हुई है मैं जस्ट आपको रिवाइज करवा रही हूँ इसको तो मैं इसलिए इतना डीपली नहीं जा रही इन आपको साथ से समझ भी आ रहा होगा हमें साथ रिवाइज भी कर रहे होगी ओके सो कम ऑन नेक्स्ट स्लाइड इट इज़ कोर इंटरनल पार्ट जो ऑफ द अर्थ जो लास्ट जमीन का इंटरनल पार्ट है वो कोर है स्पेयर प्रेजेंट अंडर मेंटल ठीक है ये अंडर मेंटल ये स्पेयर है इसकी प्रेजेंट इसके हाउ मैनी पार्ट्स टू पार्ट्स हैं एक्सटर्नल कोर एंड इंटरनल कोर कोर ठीक है अब आप देखो एक्सटर्नल कोर मेंटल हम कर चुके हैं मेंटल वी हैव टू डन अब हम करेंगे कोर कोर ठीक है कोर को हमने एक्सप्लेन करना था एक्सटर्नल कोर देखें एक्सटर्नल कोर इन लिक्विड फॉर्म एक तो ये लिक्विड फॉर्म में है बिलो द मेंटल मेंटल बिलो uh, मेंटल है ठीक है मोल्टन रॉक्स की फॉर्म में सेकंड इसकी थिकनेस कितनी है टू टू फाइव जीरो इस थिकनेस ठीक है और नेक्स्ट है हमारे पास कोर कोर अगर आप देखो नेक्स्ट दे है आप इंटरनल कोर देखें इंटरनल कोर मेड ऑफ निकल एंड आयरन निकल का एन आई और आयरन का जो है आयरन को हम फ्योरस भी कहते हैं फ्योरस का एफ ई, तो नाइफ इट इज़ आल्सो नॉन एज नाइफ ठीक है कितनी दो चीज़ों से मिलकर बने हैं निकल एंड आयरन आयरन इज ऑल्सो नॉन एज फ्योरस ठीक है इट इज़ नॉन एज नाइफ इट इज़ इन सॉलिड फॉर्म बट एक्सटर्नल कॉल इन लिक्विड फॉर्म सो इट इज दैवियस्ट अमंगल द स्वेयर्स जितनी भी अभी हमने स्वेयर्स पढ़ी अगर हमने क्रस्ट फी मैंटल अपर मेंटल लोअर मेंटल एंड देन एक्सटर्नल कोर इन सबसे ज़्यादा हैवीएसट भारी तरीन इंटरनल कोर है और इसकी थिकनेस कितनी है ट्वेल्व ट्वेंटी किलोमीटर्स ठीक है स्टूडेंट्स आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट नेक्स्ट आपकी जो है ये आप लोगों का होमवर्क था जो आपने अपनी नेटवर्क नोटबुक वर्क पे किया होगा इसके साथ ही आपने नीट नोटबुक पे करना है काम अब आपने क्या करना है कि आज की डेट आपने प्रॉपर दी होगी जो भी जिस डेट पे यह काम हुआ है क्वेश्चन नंबर वन है कंपोजिशन ऑफ एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ अर्थ इंटरस्ट ठीक है इंटरनल पार्ट ऑफ हमने पढ़ लिए है अर्थ क्रस्ट मेंटल एंड कोर आप अपने नोटबुक से रिवाइज एक दफ़ा मेरे साथ कर लें ठीक है क्रस्ट है क्रस्ट आउटर सरफेस है इसकी जो है कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड ड्राई लैंड पर है थिकनेस जो है लेस अपर मोस्ट एंड लेस थिक थिक्सर ऑफ आर्थ इज़ नॉन एज क्रस्ट एट टू फोर्टी किलोमीटर्स ठीक है यानी मतलब हमने क्रस्ट को uh, आपने रिवाइज कर लिया होगा मेरे साथ अब नेक्स्ट देखते हैं मेंटल सॉरी uh, अभी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ऑशन ऑशनिक क्रस्ट कॉन्टीनेंटल क्रस्ट को अगर uh, uh, ocean, आप देखो तो कॉन्टीनेंटल क्रस्ट इज कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लार्ज लैंड एरियाज इट इज मेड ऑफ सिलिकॉन एंड एलोमिन देर फॉर इट इज आल्सो नोन एज सियाल ठीक है यानी सील भी इसे कहते हैं और आपने एस आई के की एस आई मैंने कहा एल यानी सील -E या सियाल इसको दोनों में से आप जो कहना चाहिए ठीक है क्रस्ट ग्रस्ट क्रस्ट इट इज मेड ऑफ क्रस्ट इट इज मेड ऑफ सिलिकॉन आयरन एंड मैग्नीशियम दे फॉर इट इज़ नॉन एज मैंटल अब देखिए मैंटल जो है इस बिलो द क्रस्ट है टू लेयर्स हैं अपर मेंटल लोअर मेंटल अपर मेंटल की आपकी थिकनेस कितनी है सिक्स सेवेंटी किलोमीटर थिकनेस है इन दिस लेयर मोस्ट ऑफ द रॉक्स आर इन मोल्टन स्टेट यानी पिघली हुई स्टेट में होते पिघली हुए मादे में होते हैं मोल्टन स्टेट कहते हैं पिघला हुआ लोअर मेंटल बिलो द अपर मेंटल इज लोअर मेंटल विच इज़ हार्ड एंड सॉलिड इज थिकनेस इज टू टू थ्री जीरो किलोमीटर्स ठीक है एंड लास्ट वन इज कोर है कोर क्या है हमारा देयर प्रेजेंट अंडर द कोर ठीक है अब इट इज इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स एक्सटर्नल कोर इंटरनल कोर इंटरनल एक्सटर्नल कोर देखें इट इज इन लिक्विड फॉर्म बिलो द मेंटल इट्स मोस्टली कंसिस्ट ऑफ मोल्टन रॉक्स इट्स थिकनेस इज टू टू फाइव जीरो किलोमीटर्स ओके और लास्ट है इसका इंटरनल कोर इट इज़ सॉलिड एट सिकनेस इज़ ट्वेल्व ट्वेंटी किलोमीटर्स आई होप आपने मेरे साथ रिवाइज कर लिया होगा इसे अपने रिवाइज करके आपने एक रफ कॉपी के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करनी है ठीक है अल्लाफ़